हेलो गाइज, आज हम देखेंगे कि जो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के लिए जो मीडिया यूज़ होता है वो कौन सा मीडिया होता है, उसमें क्या क्या डाला जाता है, वो कैसे बनाया जाता है, ये आज हम देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने जो पौधे लगाए ये हाइड्रोपोनिक के मीडिया में ही लगा है। यहाँ आप देख सकते हो, जो पौधा है मीडिया में हमने लगाया, तो ये मीडिया कौन सा है, उसको बनाते कैसे, ये आज हम देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो मीडिया है हमने अभी तैयार करके रखा है, इसमें हमने कोकोपीट एंड परलाइट ये हमने ऐड किया है। आप ये देख सकते हो, ये जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा जो है व्हाइट व्हाइट कलर का जो ये देख सकते हो, ये परलाइट है जो कि वाटर होल्डिंग के लिए हेल्प करता है। एंड जो कोकोपीट होता है वो इसमें यूज़ किया जाता है। अभी ये क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हमने ये ग्लास है जिसे हम नेट पॉट बोलते हैं, ये नेट पॉट लेना है आपको, इसमें ये कोकोपीट डालना है, ठीक है। ये पूरी तरह से नेट पॉट क्या कर सकते हो आप, भर के लेना है। फिर आपको क्या करना है, इसमें ऐसे होल करके फिर इसमें सीड डालना है, जैसे आप सीड डाल सकते हो। यहाँ पे हम देखेंगे, हमने पौधे लगा के रखे हैं, यहाँ पे देखो हमने सीड लगा के रखा था, अभी इसका जर्मिनेशन हुआ है। ये देखो, अभी जर्मिनेशन होने के बाद जब इसमें से आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो है इस साइड में, साइड से जैसे हमें वाइट रूट निकलेंगे फिर हम इसको शिफ्ट करेंगे। अभी देखो, अभी हमने शिफ्ट करके हमें 5-6 दिन ही हुए, तो इसमें साइड से रूट नहीं निकले, ये देखो। तो जब ये साइड से वाइट रूट निकलेंगे तो फिर हम इसको हमारे जो हाइड्रोपोनिक सिस्टम है उसमें शिफ्ट करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये शिफ्ट किए हुए पौधे, यहाँ पे देखो आपको वाइट रूट दिख रहे हैं, ठीक है, ये देखो ये वाइट रूट सिस्टम है। तो ये आने के बाद हम इसमें शिफ्ट करते हैं। तो ये है हमारा हाइड्रोपोनिक सिस्टम, जिसमें हमने जो है पूरा सिलरी आप यहाँ पे देख सकते हो हमने लगाया है। तो ये तो हमारा हाइड्रोपोनिक फार्मिंग के लिए मीडिया कौन सा यूज़ करते हैं, उसमें बनाते कैसे। अगर इसमें, इसके बारे में अगर आपको कुछ क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में पूछें।